एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक दरिंदे बाप ने ही अपनी बेटी का कत्ल कर उसके साथ में किया कुकर्म। विशेष तौर पर पूरा मामला भिवंडी के शहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत की है। मौके वारदात पर शहर पुलिस स्टेशन के कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी पहुंचकर आरोपी पिता को शहर पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की जानकारी पीड़ित मां शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और भाजपा के जिला अध्यक्ष ने इसकी पूरी जानकारी दी। सुबह काम पे गई थी लड़की, स्कूल पे गई थी, फिर वापस आया लड़की। 8:30 बजे आया था, बैठा था लड़की, बैठा था सर। मैं 8:30 बजे फोन में गेम खेला था, लड़की मैं काम पे जाएगा फोन दे ऐसा बोलती, मम्मी भाई, मम्मी भाई ऐसा बोला था, आई बाबा ताई, बाबा भाई बोला मैं मेरे को, हाँ भाई ठीक है बेटा, ऊपर का गिल्ला कपड़ा रखा था ऊपर, रखा रखे रखो ऐसा बोला लड़की को, हाँ ठीक है मम्मी। 11 बजे को फ़ोन किया था, मम्मी चाय पिया था आज उपवास है मम्मी तुमको, ऐसा बोला लड़की, नहीं पिया था अभी जाएगा लड़की ऐसा बोला, फ़ोन रखा था 1 बजे फ़ोन की थी मम्मी मैं, फ़ोन करेगा तुमको ऐसा बोला ना, मेरा लड़की नहीं फ़ोन किया, मेरे को नहीं मालूम है कुछ होता है क्या मालूम है मेरे को, मैं आएगा तो 7:30 बजे आएगा मैं। पर गया मेरा आगे, पहला गाड़ी निकाला, लड़की सोया था ऐसा बोला मेरे को, मेरा आदमी को नहीं विश्वास करेगा, मैं चिन्नी ऐसा उठेगा नहीं, मेरा लड़की ऐसा पूरा ठंडा होएगा, मेरा लड़की ऐसा पूरा ठंडा होएगा, उठेगा पकड़ के, नहीं उठाया मेरे को, मेरे ओरी कुछ नहीं बोला ऐसा, मुँह बंद करेगा मेरा मुँह, मैं निकाल के नीचे आएगा, भैया लोग पीछे जाओ मेरे लड़की मार गया, मेरे लड़की को कुछ तो हुआ नहीं मालूम है मेरे को, लड़की को नीचे आओ भैया ऐसा बोला मैं, मेरा आदमी रेप किया था सर, रेप किया था सर मेरा आदमी, दिन पास ही किया था, दोनों किया था, पहला पास किया था क्या मालूम, पहला रेप किया था क्या मालूम, मेरे को नहीं मालूम पड़ा, मेरा लड़की बहुत हुशियार है, बहुत हुशियार है मेरा लड़की, सब जन को बोलो मेरा लड़की कैसा है, उनको पास ही करो, उनको गैस में डाल के जला दो उनके पास ही को, काट के मार डाला मैं, मेरा लड़की को पूरा गंदा किया था सर, मेरा लड़की अय्या नीनु यप्पा ना तंद्री नीनु एकड़ा वो वाले, मैं गाँव जा रहे सर, किधर भी सर देखेगा ना, उनको मार डालूंगा। ना खूप भयंकर प्रकरण झालं आहे का, अल्पवयीन मुलगी आहे ती, खूप छोटी आहे आणि त्याच्या वडिलांनी त्याला रेप करून गला दाबून मारून पळत होते, इकडचे पब्लिकनी बरोबर टायमावर पोलिसला सूचना दिलं आणि पोलिसनी बरोबर टायमावर ते पकडून त्याला आत केलं, तर आज मी आणि आमचे आमदार आमचे महेश चोगले आपले महेंद्रजी पण इकडे आले, तर आमची एकच मागणी आहे का त्याला 500 द्यायला पाहिजे, याच्या पहिले भोयगडामध्ये असा झाला होता, तो फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये एक केस चालायला पाहिजे, अशी मी एखाद्या सिनियर साहेबाशी बोललो आहे, ते पण मला बोलले आपण जितकं स्ट्रॉंग जितकं मजबूत आपण याला फाशी कसा देऊ शकतो त्याबद्दल ते पूर्ण आम्हाला वचन दिलं आहे पोलीस स्टेशनमध्ये, आणि आमची मागणी आहे का फास्ट ट्रॅकमध्ये चालायला पाहिजे। काल दिनांक 14 जुलै 2022 रोजी एका भिवंडी शहर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एका पित्यानेच आपल्या स्वतःच्या मुलीला गैरकृत्य करून तिचा गळा टावेलने वळून तिची हत्या केलेली आहे, त्या संदर्भात पोलीस स्टेशनला खबर मिळाल्यानंतर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करून 275/2022
22 कलम 376 302 आणि पोक्सो कलमा दो गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. आरोपी जसं माहिती मिळेल तसं तो पळून गेला होता. त्याला पोलिसांनी शोध घेऊन 3 तासाच्या ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे. आरोपीचा पोलीस कस्टडी रिमांड 7 दिवस घेऊन सध्या गुन्ह्याचा तपास चालू आहे. आरोपीने त्याच्या पत्नी आणि मुलीला अगोदर बी त्याला दारू पिण्याचं व्यसन आहे, मारहाण करायचा, वादवर व्हायचे त्यांचे, त्याचा त्याला त्याच्या मनात राग होता, त्यामुळं त्या रागाच्या भरात त्यांनी हे कृत्य केलेलं आहे.